शुरू करते हैं द डबल ड्रामे का एपिसोड नंबर 25। तो 25 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियांगली के स्वागत के लिए पार्टी रखी गई होती है, जहां पे मंत्रा आकर बताती है कि जियांगली ने आने से मना कर दिया। माँ क्या चौतेली माँ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं उसे जाऊं, बुलाकर लाऊं और उसे बताऊं कि ये उसके लिए ही पार्टी रखी गई है। दादी माँ कहती है नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो लोग भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ली के लिए ही पार्टी रखी है, मतलब उनके लिए ही पार्टी रखी है, तो उसे वहां पे भी रहना जरूरी है। जिसके पास ये चाचा वाचा आपस में बात कर रहे होते हैं कि वैसे जो जियांगली है ना वो बिल्कुल अपने पिता की तरह एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा, मतलब लोगों को बहुत ही ज्यादा केयर करती है। देखो वो अपने मतलब खुद के पार्टी में नहीं है और वहां पे रहेगी, मतलब ये लोग बातों को संभाल लेते हैं और सौतेली माँ का ये प्लान भी फिर मतलब खराब ही हो जाता है। हमें ये सीजी के घर के पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, आराम से शराब वराब पी रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहां पे लूची आता है और बताता है कि जियांगली मैडम आपको ड्यूक से बुला रहे हैं, उन्होंने आपको इन्वाइट किया है पार्टी में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सीजी खड़ा हो जाता है गुस्से के कारण कि मतलब उसकी हिम्मत कैसे ही बुलाने की, लेकिन जियांगली उन्हें रोक देती है और फिर सबसे कहती है कि आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, और वहां से लूजी के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांगली ड्यूक सू के पास होती है और उनके बनाए हुए जो स्ट्रीट फूड होते हैं वो खा रही होती है। ड्यूक सू कहते हैं कि वैसे ये सीजी का परिवार बहुत ही ज्यादा वेल्दी है, अच्छा पैसे कमाता है, तो क्या उन्होंने आपको अच्छे से खाना नहीं खिलाया? जियांगली कहती है आपने तो मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया ना ताकि मैं खाना खा सकूं, वैसे आप क्या पागल हो गए थे, मुझे जलने की बू आ रही है, क्यों मतलब आप यहाँ पे मुझे बुलाए हैं? ड्यूक सू कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बकवास करने के लिए नहीं बुलाया है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बताओ कौन है जिसने तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद की, तुम आखिर किसके लिए थैंकफुल हो? तो वो कहते हैं कि क्या आप इस बात के लिए नाराज है कि हमारी पार्टी हुई और हमने आपको नहीं बुलाया है? ड्यूक सू कहते हैं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ तो तुम थैंकफुल हो किसके लिए सबसे ज्यादा? जियांगली कहती है कि ड्यूक सू अगर आप ना होते तो मैं कुछ भी ना कर पाती, और जियांगली ड्यूक सू को धन्यवाद कहती है और उनके सारे किए गए कामों को गिनाती है कि आपने इतना कुछ मेरे लिए किया है, और फिर उनके लिए शराब सर्व करती है और कहती है कि वैसे मैं पूछना चाहती हूँ कि लेडी सीटू कहाँ है? वो कहती है कि दरअसल बात यह है ना कि हमारी लड़ाई हो गई थी और वो वहां से चली गई। तो यहाँ पे जियांगली कहती है कि क्या आपने ऐसे कैसे लड़ाई कर ली? ड्यूक सू कहते हैं कि आप लेडी सीटू के बारे में क्यों जानना चाहती हैं? तो जियांगली कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रही थी। ड्यूक सू कहती है कि आप बिना काम का तो ऐसे पूछ नहीं सकती, तो आप बताइए आपको क्या काम है, आप किसी फेवर के लिए ही मेरे पास यहाँ पे आई हैं ना? वो कहती है नहीं आपके लिए मैं सच में थैंकफुल हूँ, आपने मुझे बहुत ज्यादा मेरी मदद की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिसके बाद से वो कहती है कि दरअसल बात यह है ना कि जो मजिस्ट्रेट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और जो इंपीरियर डॉक्टर है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैंने सोचा था कि लेडी सीटू से मिलकर मैं उनके लिए बात करूं। ड्यूक सू कहते हैं ओहो मैं समझ गया अपने फेवर के लिए है ना। उसके बाद से वो शराब का जो ग्लास होता है वाइन का वो फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये इतना भी ज्यादा टेस्टी नहीं है, आप जा सकती हैं, और अपने लूजी से कहते हैं कि लूजी इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। लूजी आता है और कहता है कि चलिए जियांगली मैडम। तो जियांगली कुछ देर रुकती है और ड्यूक सू को दोबारा से शराब सर्व करती है और कहती है कि आप एक बार फिर पी लीजिए और लेडी सीटू आपसे मिले तो एक बार मुझे जरूर बता दीजिएगा। वैसे आपको पता है ड्यूक सू आप गुस्से में भी बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हैं, और हम देखते हैं कि लूजी तो मतलब मुंह बा देता है एकदम कि हो ये तो मेरे मालिक की तारीफ कर रही है। जिसके बाद से जियांगली मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। जियांगली के जाने के बाद ड्यूक सू जो होते हैं वो मुस्कुराते हैं और उस वाइन के गिलास को उठा के पी लेते हैं। जियांगली अपने बेहोश पिता से बातें कर रही होती है कि पिताजी आपने कहा था कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, आप हमेशा से इतने अच्छे रहे तो आपके साथ बुरा क्यों हुआ, आखिर हमारे साथ ही इतना गलत क्यों हुआ? पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ करूंगी और अब हम न्याय जो है वो हमारे बहुत करीब है, मतलब हम न्याय के बहुत करीब हैं और हम अपने परिवार के लिए न्याय लेकर आएंगे, मैं न्याय जरूर करवाऊंगी। जिसके बाद से हम देखते हैं कि वो उन्हें आराम करने को सुलाकर वहां से बाहर निकल जाती है। बाहर होते हैं ये सी जी पूछते हैं कि जियांगली मुझे बताओ ड्यूक सू ने तुम्हें क्यों बुलाया था? वो कहती है बस थोड़ा सा मैटर था इसी के कारण। ये सी जी कहते हैं कि तुम बताओ वो तुच्छ मैटर क्या था? वो कहती है कि ये सी जी कोई ऐसी बात बड़ी बात नहीं थी, बस तुच्छ मैटर था। वो कहते हैं कि एक बात बताओ ड्यूक सू कहीं तुम्हें बुली तो नहीं करते? अगर बुली करते होंगे तो तुम मुझे बता दो, क्योंकि ड्यूक सू जिस तरीके से तुम्हारे साथ इतना क्लोज है और जैसे तुम्हें हमेशा बुला लेते हैं बात बात करते हैं, वैसे किसी के साथ क्लोज नहीं होते हैं और किसी के साथ क्लोजनेस नहीं दिखाते, तो क्या तुम्हें वो अपना पावर दिखा के डरा रहे हैं? जियांगली कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, ड्यूक सू हमेशा से मेरी मदद करते हैं हर समय। तो ये सीजी कहते हैं कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। उसके बाद से जियांगली कहती है कि आप मजिस्ट्रेट जू का ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ, जब मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ पे वापस देखने के लिए आ जाऊंगी। ये सीजी कहता है कि ठीक है जब भी आपका मन करे आप आ जाना, मैं मजिस्ट्रेट जू का ख्याल रखूंगा। आगे हम सौतेली माँ और मंत्रा को देखते हैं, जहाँ पे सौतेली माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, कहती है कि जियांगली अब इतना ज्यादा ऊपर बढ़ गई है कि सभी लोग उसके बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उसे जितना मतलब इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा, अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे जो मंत्रा होती है वो कहती है कि आप चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि नहीं यार जब भी मैं उसे परेशानी में डालने की कोशिश कर रही हूँ, देखो परिवार वाले उसका कितना साइड ले रहे थे, मतलब वो इतना आगे बढ़ गई है, हर जगह फ्रेम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर तरीके से वो जीतती जा रही है, और अब तो वो नोबल औरतों से मिलने लगी है, मतलब बड़ी बड़ी औरतों से उठना बैठना हो गया, ये परिवार उसका साथ दे रहा है,
मतलब सभी लोग उसका साथ ही दे रहे हैं, मतलब जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे जो वो होती है मंथरा माँ, वो कहती है तो हमें क्या करना चाहिए, तो सौतेली माँ कहती है कि तुम चिंता मत करो, बस राइट टाइम का इंतजार करना होगा, फिर जाके बैल की आंखों में निशाना लगाना होगा। जिसके बाद से मंथरा माँ उन्हें एक लेटर देते हुए कहती है कि ये राजकुमारी की तरफ से आपके लिए लेटर आया है। वो कहती है कि ये लेटर जियांग के लिए, तो वो कहती है कि नहीं ये लेटर आपके लिए आया आगे है। जब राजकुमारी से स्टॉप में मिलती है मतलब सौतेली माँ, तो सौतेली माँ कहती है कि आप यहाँ मुझसे मिलने के लिए क्यों बुलाई है। यहाँ पर राजकुमारी बताती है कि एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि जो जियांगली है वो सचमुच में जियांगली है। सौतेली माँ कहती है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, उसके पिताजी और दादी माँ सभी लोग उसे पहचान रहे हैं कि वो जियांगली है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। और देखिए वैसे भी मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, और बचपन में ना मैंने उसे पाला है और ना ही उसके साथ मैंने काफी समय बिताया है, इसीलिए मुझे उसके बारे में कोई ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी बातों का सवाल है, मैं अगर कुछ कहूँ भी तो मेरे बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। राजकुमारी कहती है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो सच में जियांगली है। मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ पे सौतेली माँ कहती है अगर मुझे लगे भी तो मैं कुछ भी क्या कर सकती हूँ, वैसे ये जियांग परिवार का मामला है, और अगर आप इन सब बातों के लिए मुझे दोषी ठहराना चाहती हैं तो आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि ना मैंने उसे पाला है, ना उसे जन्म दिया है और ना उसके साथ जिंदगी जिया है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। तो आप मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए, जियांगली जो कुछ भी करती है ये सब उसके और उसके परिवार वालों की गलती है। जिसके बाद से यहाँ पे जो राजकुमारी होती है कहती है कि वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि जियांगली के ऊपर किसी काले भूत का साया है, क्योंकि जब से जियांगली आई है वह अजीब अजीब सी हरकतें करती है। महल में भी एक बार ऐसा हुआ था कि एक उपपत्नी के ऊपर काले भूत का साया पड़ा था, जिसके बाद से एम्परर ने कुछ लोगों को बुलवाया, साधु संतों को, और उसके ऊपर से भूत को उतरवाने की कोशिश की, और एम्परर ने उस उपपत्नी को ही मारने का आदेश दे दिया। तो मैंने भी किसी साधु को बुलाया है और मैं चाहता हूँ कि वो साधु जाए वहां पे जांच करे, क्योंकि कुछ ऐसे काली शक्तियां हैं जो लोगों के ऊपर पकड़ के लोगों के ऊपर चढ़ने के बाद बहुत लोगों को जान से मार रही है। तो मैं चाहती हूँ तुम्हारे घर पे भी चार फूक हो, और इसके लिए जियांग फैमिली वालों को मांगना जरूरी है, मतलब तुम अपने पति को और अपने जो सासू माँ है उन लोगों को मनाओ, ताकि मैं एम्परर के जो साधु हैं उन्हें भेज सकूं। जिसके बाद सौतेली माँ कहते हैं कि ठीक है राजकुमारी, अगर आप कहती हैं तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। आगे की सीन में हम ली जोंग नान को देखते हैं जो कि एक साधु के मतलब एक डिवाइनर के पास जाता है और कहता है कि आप तैयार हो जाइए। वो जो डिवाइनर होता है वो बताता है कि देखिए मैं मतलब राजकुमारी के लिए कार्य करता हूँ। तो जो ली जोंग नान होता है वो कहता है कि जल्दी तैयार हो जाओ, उसे एक लेटर देता है, जगह का पता देता है, कहता है कि आपको इस जगह पर जाना है और भूत बाधा जो भी हो रहा है उसे रोकना है। जिसके बाद से वो जो ली जोंग नान होता है वहां से चला जाता है। तो साधु अपने आदमियों को बुलाता है और कहता है कि अब कार्यवाही करने का समय आ गया है, तो तुम लोग तैयार हो जाओ। आगे हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग बाहर निकलते हैं, वहाँ पे तीन लोग आते हैं, और तीन लोग तीन दिशा की ओर मुंह करके अपने आप को कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं और अचानक से जलने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि यह स्वर्ग से भेजा गया पनिशमेंट है, स्वर्ग से भेजा गया पनिशमेंट आ चुका है, और ऐसे कर करके तीनों लोग जल के मर जाते हैं। सुबह इसकी कार्रवाई की जा रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांजी जो होता है वो जांच पड़ताल कर रहा होता है और ये लोग राख वाख को लपेट रहे होते हैं। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमने सुना है कि महाराज जो है वो डर रहे हैं लॉर्ड चैंग से, और उनकी बहन जो है वो कुछ एक्सक्यूज फाइंड कर रही है, मतलब ये सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं महाराज महाराज के बारे में। वांजी जाके ड्यूक सुन से मिलता है और कहता है कि महाराज कुछ मतलब अद्भुत हुआ है और हमें जाँच करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। जो ड्यूक सु कहते हैं कि रूमर्स इससे पहले ज्यादा फैले, जल्दी से जल्दी सारे बारे में पता लगाओ और रूमर्स को मिटाओ। जिसके बाद से लूजी कहता है कि वैसे महाराज क्या मुझे इन सारे खबरों के बारे में जाके सेकंड लेडी जियांगली को खबर देना चाहिए। तो ड्यूक सु कुछ भी नहीं कहते, अपने गाड़ी वाले से कहते हैं चलो यहाँ से। जिसके बाद से वांजी लूजी से पूछता है कि वैसे महाराज क्या चाहते हैं, क्या मैं उन्हें खबर दूं या ना दूं। तो यहाँ पे लूजी और वांजी दोनों में बातें होती है, जहाँ पे वांजी बताता है कि अगर तुम खबर देते हो तो भी बुरा होगा और नहीं देते हो तो भी बुरा होगा। तो यहाँ पे लूजी कहता है कि वैसे लगता है कि महाराज अभी भी उनसे नाराज है, मतलब जियांगली से नाराज है, वो उनकी फिक्र तो करते हैं बस जताना नहीं चाहते। आगे हम देखते हैं कि जियांगली अकेले बैठी होती है, तो यहाँ पे टोंग उसके लिए सूप लेकर आती है, कहती है कि आप ये सूप पी लीजिए। जिसके बाद से वो बताती है कि आपको पता है ड्यूक सु ने आपके लिए एक चिट्ठी भेजी है, उन्होंने कहा है कि आपको कुछ समय के लिए बाहर निकलना बंद करना होगा, मतलब आप ज्यादातर बाहर मत जाइए। यहाँ पे जियांगली कहती है कि हाँ वो चिंतित है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ तुम्हें पता है उसमें क्या हुआ है। तो वो टोंग से बताती है कि देखो जब जियांग के सामने जो प्रिंसेस है वो मेरा राज खोलने लगी थी, उन्होंने कहा था कि कॉफिन खोल के उनकी हड्डियों की जांच कराई जाए, तो उस वक्त जियांग ने मेरा साइड लिया, मतलब मेरे पिता जियांग ने मेरा साइड लिया और मेरे सामने भी आ गए, तलवार खाने को तैयार हो गए। उस वक्त तो उन्होंने मेरी पहचान उजागर होने से रोक ली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिता जियांग को शायद मुझ पे थोड़ा बहुत शक हो गया है, तो ये अच्छा समय है मिस सूरन के लिए। यहाँ पे टोंग बताती है कि आपको पता है सूरन यानी आपकी सौतेली माँ जो है वो आपका फायदा उठाना चाहती थी, और उन्होंने उस वक्त जब आप वेलकम पार्टी में नहीं आई थी तो आपके खिलाफ
बोलने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि आपके पिता और आपकी दादी माँ ने आपका साथ दिया। मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो कहती है कि हाँ, खुशी तो होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है क्या, वो अभी भी मेरा फ़ायदा उठाने की सोच रही है। टॉम कहती है कि वैसे प्रिंसेस अगर कुछ ना करे तो शायद कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर वो कहती है, जो जियांगली होती है वो बताती है कि देखो, प्रिंसेस अभी शांत नहीं बैठेगी, वो ज़रूर मेरे खिलाफ़ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब ये है कि प्रिंसेस जो है वो ज़रूर सुरन के साथ मिलकर कोई नया खेल रच रही होगी। हमें और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। और टोंग से कहती है कि टोंग, इस वक्त हम चारों तरफ से बुरी तरीके से घिरे हुए हैं, तो क्या तुम्हें डर लग रहा है? टोंग कहती है कि नहीं, मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इस बात के लिए नहीं कि हम लोग मुश्किलों से घिरे हुए हैं, बल्कि इस बात के लिए कि और भी बहुत सारे बुरे लोग हैं जिन्हें धोखा देना, मतलब जिन्हें उनके न्याय तक पहुँचाना और उन्हें सज़ा दिलाना हमारा काम है। तो हम लोग उन लोगों को ज़रूर न्याय दिलाएंगे और उन सभी को पनिशमेंट देंगे। जिसके वजह से जियांगली कहती है, हाँ, तुम चिंता मत करो, एक एक करके सबको पनिशमेंट मिलेगी। आगे जो सौतेली माँ होती है वो साधु से मिलने के लिए उसके घर पे, यानी जो उसका महल होता है, जो भी जगह होता है, उस जगह पे जाती है। दरवाजा खटखटाती है, अंदर से एक आदमी आता है, वो उन्हें दिखाती है लेटर और उसके पास अंदर मिलने के लिए उस आदमी से चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो आदमी उन्हें छोड़कर वहां से चला जाता है। वो अंदर चारों तरफ घूम रही होती है तो उनकी नज़र एक पेंटिंग पे जाती है, जो कि एक पुरानी पेंटिंग होती है और वो किसी और की नहीं बल्कि जी सुरन की ही पेंटिंग होती है, यानी सौतेली माँ की ही पेंटिंग होती है। उसे वो पेंटिंग देखकर कुछ पल याद आने लगता है। वो याद करती है कि बहुत साल पहले वो किसी पुरुष से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो पेंटर था और वो इनकी पेंटिंग बनाया करता था। इनके पिता ने उस पेंटर को बहुत ही ज़्यादा पिटवाया था और फिर उसे उस शहर से बाहर निकलवा दिया गया था, ये कहकर कि तुम मेरी बेटी को डेट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देखते हैं कि जी सुरन बहुत ही ज़्यादा उसके लिए रो रही होती है और मना कर रही होती है कि उसे मत मारो। ये सब कुछ याद करके जी सुरन थोड़ा सा डर जाती है। तभी वहाँ पे वो साधु आता है, छिपा होता है। ये इनसे बात करती है, कहती है कि मैं यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे राजकुमारी ने भेजा है। वो कहता है कि वैसे आपने पेंटिंग देखी, क्या आप कुछ इस पेंटिंग से संबंधित है? तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस इस पेंटिंग को मैंने देखा तो मुझे जाना पहचाना लगा, मैं भी ऐसे किसी पेंटर के बारे में जानती हूँ। यहाँ पे साधु पूछता है, तो क्या आप उस पेंटर के अभी भी संपर्क में है? वो कहती है नहीं, वो बहुत पहले एक एक्सीडेंट में मर चुका है। जिसके बाद से हम देखते हैं ये साधु बाहर आता है और उस साधु का नाम होता है वेंकाई और ये इनका पुराना प्रेमी वही पेंटर होता है। वेंकाई को देखकर जी सुरन कहती है कि तुम वेंकाई हो ना? वो कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ। और उनके करीब जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी लगाई गई उस आग से मैं मर जाऊंगा? वो कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? वो कहता है, तो तुम क्या सोचती थी कि मेरा दुनिया खत्म हो गया? जिसके वजह से हम जी सुरन को देखते हैं, जो कि एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उनकी शादी हो गई थी, तो वापस आई थी उस पेंटर से मिलने के लिए, यानी वेंकाई से मिलने के लिए, जहाँ पर उन्होंने अपनी बहुत सारी पेंटिंग देखी थी। वेंकाई ने जब देखता है तो ये पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, इतने सालों में तुम कैसे रहे? वो कहता है कि मैं बहुत ही मुश्किलों से जिया हूँ और मैंने अपने हाथों से ये सारी पेंटिंग्स बनाई है। मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ, लोगों को बेचता हूँ, लेकिन हालांकि जब लोगों को पता चला कि मैंने मेरे साथ पास्ट में क्या कुछ हो चुका है, तो मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मतलब वो अपना दुख वुख जो भी होता है वो उनके सामने सब कुछ बताता है, जी सुरन के सामने, और उनसे बताता है कि मैं तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास आ जाओ। जी सुरन सुनते हैं, उनके करीब जाती है, उन्हें अपने गले से लगा लेती है और गले लगाकर रोने लगती है। जिसके बाद हम उस पेंटर को देखते हैं, यानी वेंकाई भी उन्हें अपने गले से लगा लेता है। और हम देखते हैं कि इसके बाद से सीन कट होता है, जहाँ पर दूसरे ही सीन में जब इस पेंटर की आँख खुलती है तो वो एक अंधेरी सी जगह पर होता है, वो बंदा होता है। यहाँ पर वो चिल्ला रहा होता है और कि हमें खोल दो, मुझे खोल दो। हम देखते हैं कि यहाँ पे जी सुरन जो होती है वो आती है और हाथों में एक मसाल लेकर आती है और कहती है कि माफ़ करना, मेरा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा और मैं यहाँ पे तुमसे मिलने नहीं आई थी बल्कि सब कुछ खत्म करने आई थी। जिसके बाद से उसी कमरे में वो आग लगा देती है। आग लगाने के बाद जी सुरन इस कमरे से बाहर निकल जाती है। वेंकाई चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बाहर निकालो, जी सुरन वापस आ जाओ, जी सुरन मेरे पास आ जाओ। और जी सुरन कुछ भी नहीं सुनती और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकल जाती है, जिसमें आग लगने के कारण जी सुरन को ऐसा लगता है कि शायद वेंकाई की मौत हो चुकी है, लेकिन वेंकाई तो आज तक जिंदा होता है। वहाँ पे उनकी सारी पेंटिंगें जो होती है वो सब कुछ जल के राख हो रहा होता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जो वेंकाई होता है प्रेजेंट में, वो अपने कपड़े निकाल देता है और कहता है कि देखो मेरे शरीर को, कैसे मेरे शरीर पे हर जगह जलन का निशान है। उसके बाद उसके हाथ से लेकर टच कराता है। जी सुरन कहती है कि तुम वापस क्यों आए हो, क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? इसीलिए ना, ताकि तुम प्रिंसेस से सारी सच्चाई बता दो और वो जियांग फैमिली को और मुझे सबको गायब कर दे। वो कहता है कि नहीं, अगर मुझे तुमसे बदला लेना होता तो मैं बहुत पहले ही ये सब कर चुका होता। मैं यहाँ पे वापस आया हूँ और मैं वहीं आया हूँ तुम आई हो, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे पास आई हो। अब तुम मुझसे भीख मांगोगी जियांगली के लिए, जो कुछ भी करना होगा उन सब करने के लिए अब तुम मेरे पास आई हो। जिसके बाद से सीन यहाँ से कट होता है। आगे हम देखते हैं कि जी सुरन होती है सौतेली माँ अपने घर पर आती है, जहाँ पर मंत्रा कहती है कि महारानी आप ठीक तो है ना? तो वो कहती है कि कमरे से बाहर जाऊँ, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ अकेला समय बिताना चाहती हूँ। मंत्रा पूछती है कि क्या हुआ महारानी? वो कहती है बाहर जाओ कमरे से। जिसके बाद से मंत्रा बाहर जाती है तो जी
चुरुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में सामान तोड़फोड़ कर रही होती है। जियांग रेजिडेंस का सीन देखते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से निकलती है नकाब ओढ़े पहली महिला, और ये पहली महिला जियांग परिवार से होती है। और याती हम देखते हैं कि इसकी आंखों में आंसू होता है, ये वही होती है जिनका चेहरा कट गया है और इनकी शादी मिस्टर जो से हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि जिससे मिस्टर जो की सगाई टूटी थी वो यहाँ पे होती है, और वो अपने नौकरानी से पूछ रही थी तो क्या वो लड़की आ गई, तो वो लोग वो बताती है कि हाँ होती, कि क्या मिस्टर जो भी उसके साथ आए हैं, तो वो नौकरानी बताती है कि नहीं मिस्टर जो उसके साथ नहीं आया। वो कहती है कि उसे क्या लगा कि मिस्टर जो उसे प्यार करते हैं, उसे पसंद करने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद से वो कहती है कि क्या मिस्टर जो ने कुछ भेजा है यहाँ पे किसी के लिए, तो वो बताती है कि नहीं मिस्टर जो ने कुछ भी नहीं भेजा। जिसके बाद से जो थर्ड महिला होती है उसके कानों में कुछ कहती है बातें नौकरानी की। हमें दिखाया जाता है कि जो मंत्रा माँ आती है सौतेली माँ से मिलती है, कहती है कि आप ठीक तो है ना, बीमार लगनी है, चलिए मैं आपकी जाँच करा दूँ। वो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, ये बताओ कि वो लड़की आ गई, तो वो बताते हैं कि हाँ फर्स्ट महिला आ गई है और उनके साथ मिस्टर जो नहीं आया है। तो वो कहते हैं क्या कुछ तोहफे भी लेकर आए हैं वो लोग, तो वो कहते हैं कि हाँ जो परिवार की तरफ से कुछ तोहफे भी भेजे गए हैं, चलिए मैं आपको डॉक्टर से दिखा देती हूँ ना। तो जो सौतेली माँ होती है वो कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जा सकती हो यहाँ से। जो फर्स्ट लेडी होती है वो जाती है अपने माता पिता के पास, ढेर सारे तोहफे रखती है, जिसके बाद से उनकी माँ उनके तोहफों को देखकर कहते हैं कि बेटा ये तो वही तोहफे है ना जो हमने डाउरी के वजह से दिया था, मतलब जो हमने दहेज में दिया था वही तोहफे है। वो कहती है कि माँ ये पहला तोहफा है, जब मैं दोबारा आऊंगी तो ढेर सारे तोहफे लेकर आऊंगी, उन्होंने ढेर सारे तोहफे दिए थे और ये सब उन्हीं से मिलता जुलता है, तो ऐसा मत सोचो। उसकी माँ कहती है कि एक बात बताओ उनके फैमिली तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार तो करती है ना। वो कहती है कि हाँ माँ वो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। पिताजी कहते हैं कि क्योंकि मैं नाजायज हूँ और मैं ऊंची पोस्ट पर भी नहीं हूँ, इसीलिए शायद वो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते होंगे। उसका हाथ पकड़ने जाते हैं तो हाथ पे चोट लगा हुआ देख लेते हैं, जिसके वजह से ये लोग कहते हैं कि क्या मिस्टर जाओ तुम्हें मारते भी हैं। वो कहती है नहीं माँ ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो मुझे नहीं मारते। जिसके बाद से वो बताती है और याद करती है कि जब वो कल आने वाली थी तो उसने अपने पति से पूछा था कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे, तो मिस्टर जो ने कहा था मैं बिल्कुल भी नहीं तुम्हारे साथ जाना चाहता था और मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ, तो चली जाओ यहाँ से। यहाँ पे उसने जब वो जाने लगते हैं तो एक आदमी आके बताता है कि जियांगली वापस आ गई है, जिसके बाद से मिस्टर जो खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि जियांगली वापस आ गई है और हटने लगते हैं, जाने लगते हैं। जिसके बाद से इस लड़की ने यानी जो फर्स्ट महिला है वो उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि वो लेटर तुमने जियांगली के लिए भेजा है तो जियांगली के पास होगा, जियांगली ने खुद वो लेटर मुझे दिया था, वो मुझे खुद फ्रेम करना चाहती थी, वो तुम्हारे साथ मुझे भेजना चाहती थी, वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मिस्टर जो उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों पर विश्वास करूंगा। वो कहती है कि हाँ विश्वास करना ही होगा क्योंकि जियांगली ने ही वो लेटर मुझे दिया था और वैसे भी वो तुम्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं करती है। मिस्टर जो कहते हैं तुम बकवास कर रही हो, वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रही हूँ, जियांगली एक बहुत ही गिरी हुई महिला है जो किसी को भी फ्रेम कर सकती है क्योंकि वो मेरी बहन थी, इसलिए मैंने उसे तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया, लेकिन आज जान लो जियांगली तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मिस्टर जो ने इसे बहुत मारा था। उस तीसरी महिला की नौकरानी को देखते हैं जो बाहर खड़े ये सारी चीजें सुन रही होती है। अंदर वो लड़की अपने माता पिता से बताती है कि पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, एक बार जब मिस्टर जो के बच्चे को मैं पैदा करूंगी और तो मैं वहां पे उनकी रखेल बन के आराम से रह सकती हूँ और सुखी जीवन बिता सकती हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये सारी बातें सुनती है थर्ड महिला की जो नौकरानी होती है और वो जाकर उन्हें बताती है। नौकरानी बताती है कि मैंने अपने कानों से सुना है कि फर्स्ट महिला को उनके पति यानी मिस्टर जो बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं करते। वो कहते कि मुझे पता था, वो मुझे अभी भी पसंद करता है। यहाँ पे नौकरानी बताती है कि दरअसल बात यह है कि उन्होंने बताया कि मैंने सुना है कि वो जियांगली को अपने पास बुलाना चाहते हैं, दरअसल वो जियांगली को पसंद करती है। वो कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो तुम, ये इम्पॉसिबल है, वो मुझे अभी भी पसंद करता है और मिस्टर जो का दिया हुआ मतलब फेवरेट हेयर पिन वो निकाल कर देख रही होती है। तभी यहाँ पे इनकी सौतेली माँ इनसे मिलने के लिए आती है और वो हेयर पिन छिपा देती है। सौतेली माँ आती है अपने पेटी से बहुत प्यार से बात करती है, कहती है कि रूम हो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए क्यों फैमिली से बात की हूँ और उनका बेटा बहुत ही ज्यादा हैंडसम खूबसूरत है और वो तुम्हें डिजर्व करता है, तुम्हें पता है वो बहुत ही ज्यादा बड़े लोग हैं और बहुत अच्छे रैंक वाले हैं। वो कहती है कि ठीक है माँ मैं कुछ दिनों में जाकर मिल लूंगी, वैसे भी मैं अभी बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रही हूँ तो मैं नहीं जा सकती। माँ कहती है कि ठीक है फिर मैं कुछ दिनों में मीटिंग अरेंज करवाती हूँ और तुम्हें तैयार होना होगा, तुम्हें ऐसे नखरे नहीं करने होंगे। जिसके बाद से वो देखते हैं कि वो बॉक्स छिपा रही है तो वो छीन लेती है और बॉक्स को देखते हैं उसमें एक हेयर पिन होती है, लेटर लिखा होता है जो कि मिस्टर जाओ की तरफ से होता है। माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि मतलब मंत्रा माँ से कहती है कि मंत्रा जल्दी से तैयारी कराओ और 2 दिनों में हम मिस्टर केवाई के घर पे जाएंगे मिलने के लिए, और अगर ये मेरी बात ना माने रूम हो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगी और तुम्हें बांध कर उनको सौंप दूंगी, तो जल्दी से तैयारी कर लो। उसके बाद से सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। हम सेकंड लेडी जियांगली को देखते हैं जो कि अपने कमरे की तरफ जा रही होती, तभी यहाँ पे फर्स्ट लेडी आती है जो अपने चेहरे पर मास्क लगाए होती है। वो उनसे कहती है कि मैं आपका धन्यवाद कहने के लिए आई हूँ। जियांगली कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे धन्यवाद ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब मैंने आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया। वो कहती है कि अगर आप ना होती तो मैं जाओ फैमिली में शादी कैसे करती और उनकी मिस्ट्रेस कैसे बनती, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिसके बाद से वहां से चली जाती है। जब वहां से जाने लगती है तो हम देखते हैं कि उधर से जिंगरोई आ रहा होता है यानी कि चचेरा भाई, और वो बहुत ज्यादा खुशी के साथ उसके सामने आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। चचेरा भाई जाता है जियांगली से कहती है कि ये मुझे
इग्नोर कर रही है। उसके बाद उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है शहर में जितने भी ज्यादा अफवाह फैली गई थी, जो कुछ भी हुआ था वो सारा काम लियो जो उसके पिता ने मिलकर काम कर दिया है, और सारा काम खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे लौट आया। जिसके बाद वो कहते हैं कि आप यहाँ पे क्यों लौट आए, तो लियो जो को साथ होना चाहिए, मैंने सुना है कि आपने उसकी बहुत मदद की और वो आपको बहुत पसंद करने लगी। वो कहती है नहीं नहीं तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं ऐसे प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ। उसके बाद वो कहता है कि मैंने सुना है कि आपने यहाँ पे राजधानी में बहुत सारे अच्छे अच्छे कारनामे किए हैं और मैं तो वो सब देख भी नहीं पाया, और मैंने सुना ये सब बहुत ज्यादा तड़कता भड़कता था। वो कहते हैं हाँ वो बात तो है, लेकिन आप अपना बताइए लियू जू के साथ आपका क्या चल रहा है। वो कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, वैसे क्या उसने आपको कोई लेटर लिखा है, बताओ ना उस लेटर में उसने क्या लिखा है। जियांगली कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है बताओ ना बताओ ना बताओ ना। वो कहती है कि रूही आपको समझना चाहिए मैं एक लड़की हूँ, एक लड़का लड़की का ऐसे हाथ नहीं पकड़ सकता, और वो चिढ़ाकर वहां से भागने लगती है। और जिंग उसके पीछे पीछे भागता है, कहता है कि बहन प्लीज बता दो ना कि उसने क्या कहा है, बहन बता दो ना, और उनके पीछे भाग रहा होता है। आगे की सीन में हम रोयाओ को देखते हैं जो कि रो रही होती है और कह रही होती है कि मैं अपने प्रेमी को डिसाइड क्यों नहीं कर सकती, मैं ये क्यों नहीं डिसाइड कर सकती हूँ कि जो मेरा पति हो वो मेरा प्रेमी ही हो। नौकरानी आती है और एक लेटर देती है, उस लेटर में लिखा होता है कि मिस्टर जाओ उनसे मिलना चाहते हैं और वो पिछवाड़े में आपका इंतजार कर रहे हैं। नौकरानी कहती है बहुत ही ज्यादा रिस्क वाला है, आप वहाँ पर नहीं जा सकती, अगर जाएंगी और माँ को पता चल गया तो आपको सजा मिलेगी। वो चारों तरफ हेयर पिन को ढूंढने लगती है तो उससे हेयर पिन नहीं मिलता। वो नौकरानी से पूछती है क्या यहाँ पे कोई आया था, तो वो बताती है कि हाँ आपकी सौतेली माँ आई थी, मतलब आपकी माँ आई थी और यहाँ पे सामान और आपके लिए कपड़े रख के गई हैं। वो कहती है कि ये सब माँ के कारण ही हुआ, और वो गुस्से में सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है। कहती है कि उन्हें क्या लगता है कि मैं झाव को छोड़कर किसी और से शादी करूंगी, सपनों में ये उनका सोच है, मैं झाव को छोड़कर किसी से भी शादी नहीं करूंगी। आगे हम पहली बहन को देखते हैं जहाँ पर उसकी नौकरानी आके बताती है कि मास्टर यहाँ पे आ चुके हैं और वो आपकी दूसरी बहन रूयो याओ से मिलने के लिए आए हैं। जब ये जाने लगती है उठ के तो नौकरानी समझाती है कि आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जाएंगे और किसी को पता चल गया कि मास्टर जाओ तो आप पर ध्यान ही नहीं देते और वो हमेशा से स्टडी रूम में ही सोते हैं तो आपका क्या होगा। वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई अब तुम जाओ यहाँ से। आगे मिस्टर जाओ को देखते हैं जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, तभी दरवाजा खुलता है, ये उस तरफ देखते हैं तो रो होती है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। आगे की सीन में हम देखते हैं जो पहली महिला होती है वो अपने पति को खाना खिला रही होती है, कहती है कि मैंने टेलर से बात कर लिया आप वहाँ पे जाइए वो आपके लिए अच्छे अच्छे कपड़े सिल देगा, या फिर मैं उन्हें यहीं पे बुला दूं हनी वो आपके लिए अच्छे कपड़े बना दे। वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके वजह से वो कहती है कि ये खाना मैंने आपके लिए बनाया टेस्ट करो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। जिसके वजह से वो उसका हाथ पकड़ के झटक देता है और कहता है कि मैं क्या कोई सुअर हूं जो मुझे इतना ज्यादा खिला रही हो बेवकूफ औरत, और वहां से उठ के जाना लगता है। तो यहाँ पे जो पहली महिला होती है वो कहती है कि मुझे पता है कि आप कल रात को कहाँ पे गए थे। वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। वो कहता है कि मुझे पता है कि आप जियांग रूई से मिलने के लिए गए थे, क्या मैं आपके लिए काफी नहीं हूँ, आप दूसरे महिलाओं के साथ मिलते फिर रहे हैं, अगर आप चाहें तो मेरे साथ एक स्टेबल और अच्छी लाइफ बिता सकते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे पीछा करने की, और खबरदार जो तुमने किसी को इसके बारे में बताया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और उसका गला दबाने लगता है और उसे झटक देता है और कहता है कि आज के बाद से मेरे मामलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वहां से चला जाता है। आगे की सीन में हम जियांगली को देखते हैं जो कि कुछ मेडिसिन को देख रही होती है, मतलब कुछ जड़ी बूटियों की जांच कर रही होती है। उसका भाई कह रहा है क्या अब तुम दवाइयों की प्रैक्टिस करने वाली हो, मतलब अब तुम क्या मेडिकल के बारे में पढ़ने वाली हो। वो कहती है कि हाँ ये तो अच्छी चीज है ना मेडिकल के बारे में पढ़ना। वो कहता है कि भाई देवा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो कहती है कि हाँ बताओ। तो वो बताता है कि तुम्हें पता है कि जो जी सुराना ना वो अपनी बेटी के यानी रुआओ का आज ब्लेंडेड रखी थी, और जब रुआओ वापस लौटी है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था, यानी कि क्यों फैमिली को उसने नाराज कर दिया है, तो शायद अब जियांग फैमिली वांग फैमिली से उसका रिश्ता तैयार कराने की जी सुरन कोशिश करेंगी। जब वो मतलब जब वो टहल रही थी तो मैंने सुना कि वो बातें कर रही थी रुआओ को एक अच्छे रिश्ते के लिए। वैसे देखा जाए तो वो अच्छी लड़की है रुआओ, और पढ़ी लिखी भी है, समझदार है, बस ये बात है कि वो मिस्टर जाओ को प्यार करती है। वैसे प्यार करने वाला सही है ना। तो जियांगली कहती है कि ये सब स्टूपिड बातें जानकर मैं क्या करूंगी। वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है आपको स्टूपिड बातें पसंद नहीं है, लेकिन आपको पता है अगर वो लोग इस शादी में बिजी रहेंगे, शादी कराने में बिजी रहेंगे, तो उन लोगों को आप पे ध्यान देने का टाइम नहीं होगा, मतलब सौतेली माँ आपको ज्यादा परेशान नहीं करने वाली है। जियांगली कहती है कि इसमें मेरा क्या। तो उसका चचेरा भी बताता है कि वो परेशान नहीं करेंगे तो आप पीसफुल लाइफ आराम से जी सकती है। आगे सीन में हम ड्यूक्सु को देखते हैं, हम देखते हैं कि वो किसी केमिकल की जांच कर रहे होते हैं। यहाँ पे मांझी लूनी उन्हें बता रहे होते हैं कि हमने जांच करने की कोशिश की है, लेकिन ये जो भूतों के द्वारा लोगों को मारा गया है उसके बारे में अभी तक कुछ खबर पता नहीं चला है। वो कहते हैं कि ये किसी प्रकार का केमिकल है, और वो उसे किसी केमिकल को दिखाते हुए कहते हैं ये एक केमिकल है जो कि हवा और पानी के संपर्क में आते ही पूरी तरीके से जलाकर राख कर देता है। मतलब ये सब जो भूतों का दिखावा करने वाला है, लोग कह रहे हैं कि भूत मार रहे हैं, लेकिन दरअसल ये सब बात नहीं है। ये सब बात यह है कि कुछ लोग मिलकर ये सारे काम कर रहे हैं, और ये इन कामों के पीछे जिन लोगों का हाथ है उसके बारे में तुम लोग पता लगाओ कि जिन तीन लोगों की मौत हुई है उनके बैकग्राउंड के बारे में, वो लोग मरने से पहले किससे किससे मिले थे और कुछ कॉमन चीज मिले, तो ये सारी चीजें पता लगाकर मुझे बताओ। और हाँ ये सब जो कुछ भी है ये जो लोग भी कर रहे हैं तो ये पूरा शो तैयार है, शो तो अभी बाकी है, मतलब ये तो बस ट्रेलर है, शो अभी होना बाकी है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।